गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज आज मैं कहीं गया हुआ हूँ, इसलिए मैं बोर्ड के ऊपर आज नहीं आ सकता। तो कहीं पर मैं रजिस्टर लेके और ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बेटा। ओके ओके, मैंने आपको करवा दिया था डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक बार वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपको चेक करना होगा, राइट। तो होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये आपने सपोज दैट आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने ये ले लिया बेस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके, एसिड एंड बेस, आपके पास एक तो एसिड है और सेकंड क्या आपके पास बेस है, राइट। तो एसिड एंड बेस, एसिड एंड रिएक्ट, एसिड रिएक्ट विद बेस, इट गिव्स साल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम RCW, इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, साल्ट आ गया। एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का, राइट। ये आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का। तो होता क्या है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर, जो आपके पास जो साल्ट आया RCOONA, ठीक है, इस RCOONA की रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम मीन्स होता है NaOH+CaO, दिस इज सोडा लाइम, सोडा लाइम, राइट। ये आपके पास सोडा लाइम है, तो RCOONA+NaH+CO, NaOH+CO इज कॉल्ड सोडा लाइम, ओके। और ये सोडा लाइम का जो है आपके पास ये रेशो कितना लेना पड़ेगा, 3:1, कितना रेशो लेना पड़ेगा, 3:1। अब 3:1 लेकर आप इसकी क्या करवा रहे, रिएक्ट करवाएंगे। तो जैसे 3:1 लेकर आप इसका रिएक्ट करवाएंगे तो होता क्या है कि भाई ये जो CO2 गैस है यहाँ से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और ये सोडियम के साथ आपस में कनेक्ट होके और यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, RH+NA2CO3, ठीक है। यहाँ से तो एल्केन का फॉर्मेशन है, इट मीन्स सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर NaNa, इट मीन्स Na2, और CO2 यहाँ से आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, Na2CO3, एक ऑक्सीजन इसका आ गया तो क्या आ गया, Na2CO3, राइट। और ये हाइड्रोजन कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, Na2RH, Na2CO3, क्या जाएगा, RH, Na2CO3, राइट। तो किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, एल्केन। तो याद रखेंगे कि जितने भी आपके पास ये साल्ट हैं, इस साल्ट को, सोडियम जो साल्ट है, इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडा लाइम की प्रेजेंस में करेंगे, और सोडा लाइम किस रेशो में लेना है, 3:1, 3:1 मीन्स NaOH 3 और कैल्शियम ऑक्साइड 1, तो इसका 1 मोल है, तो इसका कितने मोल यूज मिलेंगे, 3 मोल, ओके। और आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन का, ओके। इंपॉर्टेंट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर होता क्या है कि आपके पास एक तो होता है एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पे तो आपके पास आएगी CO2 गैस, एंड कैथोड पे आएगी आपके पास हाइड्रोजन गैस। एनोड पे तो क्या आएगी, CO2 गैस, एंड कैथोड पे किसका फॉर्मेशन होगा, H2 गैस का, किस कौन सी रिएक्शन के अंदर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, राइट। और ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि रिएक्शन किस टाइप से होगी वो देखें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर सपोज दैट आपने क्या ले लिया, RCOONA, ये साल्ट ले लिया, ठीक है, और इस साल्ट की क्या करवा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका क्या करवा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इसका यहाँ से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, और यहाँ पर कितने मोल वाटर यूज मिलेंगे, 2 मोल, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक साल्ट है इसको वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या करवाएंगे, ये आपने साल्ट ले लिया, इसका एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या करवाएंगे, साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एक्वस सोल्यूशन के अंदर इसका क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी हाइड्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी, सोडियम साल्ट लिया आपने
और सोडियम साल्ट लेके और उसका इलेक्ट्रो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन का। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो चेक करते हैं कि किस टाइप से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके पास RCWNA है, ठीक है, और इसका जैसे आप एक्वस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपके पास डायरेक्ट होता क्या है कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 2। तो ये सपोज दैट ये 1 कार्बन का है तो इधर कितने कार्बन का आ जाएगा, 2 कार्बन का, राइट। और यहाँ से कितने CO2 गैस आउट हो जाएगी, यहाँ पर 2 मोल यूज में लेंगे, यहाँ पर 2 मोल यूज में लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मोल यूज में लेंगे तो आपके पास यहाँ से 2 CO2 गैस आउट होगी, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2, तो इट मीन्स यहाँ से क्या मोल, कितने मोल NaOH आउट हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ NaOH यहाँ से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ओके, इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से करेंगे वो देखें। सपोज दैट आपने सबसे पहले क्या ले लिया, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3COOCl, सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट के अंदर क्या करना है कि ये जो सोडियम है इसको मैं यहाँ से आउट कर रहा हूँ, तो इसके 2 मोल यूज में ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, CH3C(OO-), CH3C(OO-), ये आपके पास आ गया, जिसे बोला जाता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, राइट। अभी इस एसीटेट आयन के अंदर, एसीटेट आयन सबसे पहले लेता हूँ मैं एट एनोड, इसके 2 कैथोड होंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस, भाई जहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उसके अंदर 2 क्या होते हैं, अपने पास एनोड और कैथोड होते हैं, 2, एक तो एनोड होगा, सेकेंड वाला कैथोड होगा, राइट। तो एनोड के अंदर चेक लेते हैं कि एनोड के अंदर चेक कर लेते हैं क्या होता है। सपोज दैट ये आपके पास एसीटेट आयन आया CH3C(OO-), ओके, और कितने मोल यूज में ले रखा है, 2 मोल। यदि आपने यहाँ पर 1 मोल यूज में लिया होता तो यहाँ से क्या करना होता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ये 1 है, ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल, भाई सोडियम यहाँ से आप आउट करेंगे तो सोडियम आउट करेंगे तो इसका एक क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, यदि 1 होगा तो, और 2 होगा तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अरे समझ में आई ना बात है, यहाँ पर ओनली सपोज दैट आपने एक ही लिया तो यहाँ से सोडियम उठाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट, और नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ से 2 आपने यहाँ से रिमूव किया था, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो ये कर दिया मैंने 2 CH3C(OO-), और ये जो फिर रेडिकल और ये फिर रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड का, और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 फिर रेडिकल प्लस 2 मोल ऑफ CH3 फिर रेडिकल प्लस CO2 गैस, और कितने CO2 गैस, 2 CO2, और ये 2 CO2 गैस यहाँ पर कौन से टर्मिनल के ऊपर क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, एनोड टर्मिनल के ऊपर CO2 गैस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। बट आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखें, ये 2 CH3 जो है इसको क्या करवा दें, 2 CH3 मीन्स क्या होता है, CH3 फ्री वैलेंसी, इसकी रिएक्ट करवा दें, और जैसे आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, CH3 का, राइट, तो आपके पास आ गया CH3, इट मीन्स आपके पास हो गया एथेन, ओके, आपके पास क्या आ गया, एल्केन। सपोज दैट इस साइड के अंदर 1 कार्बन है तो आपके पास इस साइड के अंदर कितने कार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, डबल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके, ये तो एनोड टर्मिनल हो गया। अब सपोज दैट आपके पास ये कैथोड टर्मिनल है, 2 टर्मिनल होंगे एनोड एंड कैथोड, अब एनोड इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आपने ले लिया, 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर यदि H2 है तो किस फॉर्म के अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये H पॉजिटिव आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और किसके अंदर चला जाएगा, H2 गैस के अंदर, ये कौन सी प्रोसेस होगी, कैथोड के ऊपर प्रोसेस होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर जाके प्रोड्यूस होगी, कैथोड टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और एनोड टर्मिनल पर कौन सी गैस आएगी, CO2 गैस, ओके, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सिमिट रिएक्शन, व्हाट इज सिमिट रिएक्शन, ओके, देखिए बेटा, सिमिट रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे तो होता क्या है सिमिट रिएक्शन के अंदर, कि भाई वही है कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने यूज में लिया है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन, N3 है हाइड्रोजोइक एसिड, दिस इज हाइड्रो
हाइड्रोजोइक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, इट गिव्स प्राइमरी एमाइन, इट गिव्स प्राइमरी एमाइन. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, प्लस में यहां से क्या हो जाएगी, CO2 गैस आउट हो जाएगी, प्लस में N3 जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, N2 के अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको रट्टा मानना है. और ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4. ओके, इस सिमिट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ में CO2 और N2 गैस से प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस साइड के अंदर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो आउट होकर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, इस साइड के अंदर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल एल्काइल ग्रुप तो सेम है बट ये कार्बन क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया. इट मीन्स यहाँ पर वन कार्बन डिक्रीज का किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट, वन कार्बन डिक्रीज प्रोडक्ट का आपके पास क्या जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. सपोज दैट आपने इस साइड के अंदर ले लिया CH3COOH और उसकी रिएक्ट करवा दिया N3S हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. एसिटिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स CH3COOH, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस यहाँ से आउट हो जाएगी तो आपके पास क्या जाएगा, CH3 एंड यहाँ से आउट हो गया तो आपके पास इस साइड के अंदर क्या है, NH3 है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर, और N2 और CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, आउट, तो N2 प्लस CO2 गैस आउट हो जाएगी. ओके, तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एमीन. और इस प्राइमरी एमीन के अंदर देखेंगे इस साइड के अंदर एसिटिक एसिड मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन टू, बट इस साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, वन कार्बन. इट मीन्स यहाँ पर वन कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज, वन कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज. तो आपके पास जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो वन कार्बन डिक्रीज प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. ओके, ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो फर्स्ट रिएक्शन जो थी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेकंड जो थी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन चल रही थी वो आपने चेक कर लिया है, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन चेक कर ली. अब सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं बी, CO बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन ऑफ COH बॉन्ड क्लीवेज. C कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखो C डबल बॉन्ड OH होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अब क्या करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन एंड एल्कोहल के बीच का ये बॉन्ड क्या करना है, क्लीवेज करना है, और आपको क्या चेक करना है, इसकी रिएक्शन चेक करनी है. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी PCl5 से, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, देख लेना, R C डबल बॉन्ड ओ एच रिएक्ट विद PCl5. ओके, तो देखें PCl5 मींस होता है R C डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस PCl5 मींस होता है PCl, Cl, Cl, Cl एंड Cl. HCl यहाँ से आउट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना कर दिया, आपके पास क्या आ गया, R C डबल बॉन्ड ऑफ Cl प्लस PO Cl3 प्लस HCl, ये आपके पास आ गया, राइट, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया. सिंपल है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भी करवा दिया बट वहाँ पर और अपने एमीन यूज में लिया था, वो एल्किल हैलाइड यूज में लिया था, एल्किल एल्कोहल यूज में लिया था, आर ओ एच यूज में लिया था, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, फर्क इतना ही है. ओके, सपोज दैट यहाँ पर 3RCOOH यूज में ले लेता मैं और इसकी रिएक्शन करवा देता PCl3 से. ओके, तो आपके पास क्या जाता, 3R सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस H3PO3, आर सिंगल बॉन्ड सी ओ सी एल, वहाँ पर आपने देखा था, आपने ये यूज में लिया था आर ओ एच और पी सी एल थ्री के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या आ जाता है, आर सी एल प्लस H3PO3 ये आया था आपके पास. सेम इसके अंदर है, आर ओ एच की जगह आपने क्या ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड, बॉन्ड कौन सी जगह ब्रेक करना है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये तो ऐसे कैसे आएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ये तो ऐसे कैसे कर दिया. अब आपने को रिमूव किसको करना है, ओ एच को, तो ओ एच की जगह आपने क्या शिफ्ट कर दिया, क्लोरीन, ये आपके पास आ गया आर सी डबल ओ सी एल, राइट. नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास, सपोज दैट आपने ये न लेकर ये ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायनिल क्लोराइड SOCl2,
SOCl2 मीन्स क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ सी एल एंड सी एल, यहाँ से क्या कर दे बॉन्ड ब्रेक कर दें तो आपके पास क्या जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एस सी एल एस ओ टू प्लस एस सी एल राइट आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से तो ये आपके पास क्या आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एस ओ टू प्लस एस सी, ये सब चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर करवा दिया। ओके नेक्स्ट सेक्शन एस्टिफिकेशन, सेकेंड एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन व्हाट इज एस्टिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स एस्टर, इट गिव्स एस्टर, दिस इज एस्टिफिकेशन। ओके देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मीन्स एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव के फॉर्म में आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज में ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज में ले सकते हैं। ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद आर ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इट गिव्स एस्टर, एस्टर मीन्स देखो बेटा कार्बन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, ये रिएक्शन ही वही चल रही है, ब्रेक बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड ऑक्सीजन। ओके तो कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिया आर ओ एच आपके पास आ गया तो यहाँ से क्या कर दें ऑक्सीजन है ये आर ओ एच है तो आपके पास हो क्या जाएगा यहाँ पर कि भाई आर ओ एच है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा तो ओ नेगेटिव आ गया एच पॉजिटिव आ गया ठीक है इस जगह पॉजिटिव आ गया ये ओ एच नेगेटिव ये एच टू आउट हो गया तो आर ओ कनेक्ट हो जाएगा किस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से राइट तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सॉरी ओ आर प्लस में एच टू ओ राइट। ओके तो यहाँ से एच टू आउट हो जाएगा सपोज दैट आपके पास ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एसिटिक एसिड आर सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच रिएक्ट विद मेथेनॉल ओके इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मीन एच टू एस ओ फोर, एच टू एस ओ फोर गिव टू एच पॉजिटिव आयंस। ओके तो होगा क्या कि इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दें और सी एस थ्री सी एच को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दें ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव अटैक कर देगा इस कार्बन कंपाउंड के कार्बन के ऊपर। ओके तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री प्लस एच ओ एच एंड एच पॉजिटिव इट मीन्स एच टू ओ दिस इज एस्टर या फिर ऐसे बोल सकते हैं यदि जनरल नेम दे तो मिथाइल एसीटेट मेथ एथ एसीटेट मिथाइल एसीटेट। ओके ये इसका नेम हो गया ये तो इसकी एस्टिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केनोइक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन ऑफ एल्केनोइक एनहाइड्राइड थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखिए बेटा सपोज दैट आपने भाई जितनी भी रिएक्शन चल रही है किसकी चल रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इसको रिएक्ट करवा दो किससे एस्टर से तो सपोज दैट ये मैंने एस्टर ले लिया आर सी डब्लो आर है ना ये एस्टर ले लिया बट एस्टर लेंगे तो ये शायद मेरे हिसाब से ये बन नहीं पाएगा तो यहाँ पर मैं टू मोल ऑफ एल्कोहल यूज में ले लेता हूँ आर सी डब्लो एच एंड आर सी डब्लो एच ठीक है इसके टू मोल यूज में ले लिया और टू मोल यूज में ले लिया और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी पी टू ओ फाइव की प्रेजेंस में एंड डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर यूज में ले लिया और इसका क्या करवा दे हीट करवा देते हैं या तो आप पी टू ओ फाइव यूज में ले लिया फिर डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर यूज में ले लें और ये जब पी टू ओ फाइव और सॉरी एच टू एस ओ फोर यहाँ पर आपको कौन सा यूज में लेना पड़ेगा कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर इस वजह से यूज मिलेंगे क्योंकि यहाँ से क्या रिलीव करना अपने को एच टू रिलीव करना है और एच टू रिलीव करेंगे तो आपको कौन सा यूज में लेना पड़ेगा कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर या तो कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर ले लो या फिर क्या ले लो पी टू ओ फाइव। ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद पी टू ओ फाइव और कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर और इसके साथ आप क्या करवा दें इसे हीट कर दें। ओके हीट करते ही आपके पास क्या होगा यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आउट और H2 क्योंकि यहाँ से कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेक कर दो या इस जगह से OH नेगेटिव H पॉजिटिव आउट हो गया आर सी डबल ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर दिस इज एनहाइड्राइड दिस इज एनहाइड्राइड ये आपके पास एनहाइड्राइड आ गया राइट यहाँ तक आई बात समझ में प्लस यहाँ से क्या आउट हो जाएगा H2 ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है जो कभी आ जाती हैं तो देख लेना।
फोर्थ है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या फिर ऐसे कर सकते हैं रिएक्शन विद NH3, या फिर ऐसे कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, रिएक्शन विद अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ओके, तो देखें सपोज दैट आपने ये ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड यूज में ले लिया। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें, रिएक्शन विद अमोनिया या NH3 यूज में ले लिया। जैसे इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो एसिड और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये क्या हो गया बेस, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं साल्ट का, तो आपके पास क्या आ जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH4। यहाँ से H प्योरिटी के फॉर्म में आउट होगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा NH4। आपके पास ये आ गया अमोनियम साल्ट, ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा ना, तो लोन पेयर एच पॉजिटिव इसको हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा NH4। हाइड्रोजन इससे जाके शिफ्ट नाइट्रोजन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NH4 ऑक्सीजन। ओके, तो RC डबल ONH3 डायरेक्ट भी आप इसे क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि एसिड एंड बेस, और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनियम साल्ट का, किसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनियम साल्ट का। ओके, अब इसे क्या करवा दें, यहाँ से हीट करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बेस, इट मीन्स अमोनिया, इट गिव्स अमोनियम साल्ट, देन हाई टेम्परेचर ऑफ हीट इट गिव्स एस्टो मोलिक्यूल्स ऑफ आउट इन रिएक्टेंट एंड साइट सो और अमोनियम साल्ट। ओके, देन गिव RC डबल बॉन्ड OH2, तो यहाँ से आउट होगा ऑक्सीजन इस जगह से, क्या हो जाएगा आपके पास 2 मोल्स बच गए यहाँ पर NH2, आपके पास क्या जाएगा एमाइड, इसे बोला जाता है एल्केन एमाइड, राइट, ये आपके पास हो गया। तो दोबारा से देखिए RC डबल एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन किया, अमोनियम साल्ट का। अमोनियम साल्ट को आपने क्या किया, अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे आपने इसको हीट किया, जैसे हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर देंगे अमोनियम साल्ट से क्या हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएगा। ओके, और आपके पास क्या जाएगा एमाइड, जिसे बोला जाता है एल्केन एमाइड, दिस इज एल्केन एमाइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर क्या है कि RC डबल बॉन्ड NH2, ये जो आपने यूज में लिया है RC डबल बॉन्ड NH2 एमाइड, इसको क्या करते हैं कि हीट करवा देते हैं, और किसकी प्रेजेंस में P2O5, ठीक है, एमाइड की हीट करवा के फास्फोर इसको P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तो होता क्या है कि यहाँ से क्या होता है P2O5 क्या करता है इस दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स को यहाँ से और H2 को यहाँ से क्या कर देता है आउट कर देता है, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे इस जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इट मीन्स एल्केन नाइट्राइल, दिस इज एल्केन नाइट्राइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपने देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एमाइन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके आपके पास अमोनियम साल्ट आ गया, अमोनियम साल्ट को आपने हीट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल आउट हुआ और आपके पास एमाइड आ गया। अब वंस अगेन आपने क्या किया कि एमाइड लिया और इस एमाइड को आपने फिर हीट किया, बट किसकी प्रेजेंस में P2O5 की प्रेजेंस में। ओके, जैसे P2O5 की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल्स आउट करेंगे आप, तो H2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से करेंगे, नाइट्रोजन से कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ से क्या हो जाएगा आउट होगा और H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट होकर आपके पास क्या जाएगा RC डबल बॉन्ड एंड, या फिर इस टाइप से कर सकते हैं RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड NH2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये आपके पास आ गया, तो इस डबल बॉन्ड को किस साइड के अंदर शिफ्ट कर दो, इस साइड के अंदर, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर आ जाएंगे, इस साइड के अंदर। ओके, और डबल बॉन्ड इस साइड के अंदर आते हैं आपके पास क्या जाएगा RC सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एल्केन नाइट्राइल, राइट, वेरी वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अब आगे है आपके पास कि आपको करना क्या है कि सपोज दैट आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो ले लिया आपने ये रिएक्शन, अब क्या करते हैं कि जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है, अब क्या करना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने यूज में लिया है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड क्या कर दें, क्लीवेज कर दें, बॉन्ड क्लीवेज कर दें, तो बॉन्ड रिएक्शन ऑफ बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड, बॉन्ड क्लीवेज इन कार्बोक्सिलिक एसिड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड क्या कर दे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दे। आपने जो सेकंड जो केमिकल रिएक्शन देखी थी उसके अंदर तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक किया था, अब कौन सी जगह से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ओके। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास किस टाइप का प्रोडक्ट आएगा वो चेक करते हैं। तो देखिए उसके अंदर भी एक फर्स्ट रिएक्शन आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन वो है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ओके। रिएक्शन विद मेटल के अंदर होता क्या है कि आपने वही केमिकल रिएक्शन आर सी डब्ल्यू एच और सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, इसके टू मोल यूज में ले लो, इसके टू मोल यूज में ले लो, तो आपके पास क्या जाएगा, आर सी डब्ल्यू एन ए प्लस एच टू गैस आउट होगी। और आपको पता है कि जितने भी एसिड होते हैं और एसिड को मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस आउट होती है, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी, ओके। सपोज दैट यहाँ पर भी टू आर सी डब्ल्यू एच टू मोल ऑफ आर सी डब्ल्यू एच यूज में ले लिया और यहाँ पर जिंक मेटल की प्रेजेंस में कराएंगे, जिंक मेटल पहले से इसमें तो प्लस वन चार्ज है, ओके, तो इसलिए आपने टू मोल यूज में लिया, यहाँ पर तो पहले से ही प्लस टू चार्ज है तो आपको टू मोल यूज में लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, आर सी डब्ल्यू जेड एन, आर सी डब्ल्यू जेड एन, तो आर सी डब्ल्यू ये कर दिया मैंने जेड एन, कितने मोल हैं, टू मोल हैं, तो ये कर दिया मैंने टू, यहाँ तो इसके आगे आ जाएगा आर सी डब्ल्यू जेड एन, जेड एन प्लस टू का चार्ज आ गया और आर सी डब्ल्यू नेगेटिव। देखो बेटा होता क्या है कि प्रोडक्ट इस टाइप से बनता है, आर सी डब्ल्यू नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, तो प्लस वन माइनस वन, तो आपके पास क्या गया, आर सी डब्ल्यू एन ए, बट यहाँ तो प्लस टू है, यहाँ पर माइनस वन है, तो प्लस माइनस वन इधर प्लस टू इधर, तो आपके पास क्या गया, आर सी डब्ल्यू का होल ट्वाइस एंड जेड एन, प्लस में यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, एच टू, कितने हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, टू हाइड्रोजन, तो यहाँ से टू हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ओके, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, सपोज दैट आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड यूज में ले लिया, ओके, और आपने बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, बेस इट मीन्स एन ए ओ एच, तो यहाँ से एच एच पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा, तो एन ए ओ एच, यहाँ से ओ एच नेगेटिव फॉर्म में, तो क्या आउट हो जाएगा, यहाँ से ओ एच, तो आपके पास क्या जाएगा, और वैसे भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट, साल्ट इट मीन्स आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, आर सी डब्लो ओ एन ए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, राइट, तो आपके पास साल्ट आ गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब क्या करवाते हैं कि ये जो आपने सोडियम कार्बोक्सिलेट यूज में लिया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट जो आपने यूज में लिया है, इसको रिएक्ट करा दो एन एच फोर ओ एच, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स एच एंड ओ एच आउट, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच फोर, कार्बोक्सिलेट अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, राइट, एंड बाई प्रोडक्ट क्या जाएगा, एच टू, बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, एच टू मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, इतनी सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बस एक तो ये अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, और एक है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इंपॉर्टेंट जो आने वाली टॉपिक्स जो हैं वो आगे हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, है ना, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखना एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब एसिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई एसिडिटी मीन्स होता क्या है, एच पॉजिटिव, ओके, और एच पॉजिटिव की यदि आपको एसिडिटी चाहिए
एच पॉजिटिव आप निकाल लें तो एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। सपोज दैट ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एसिड क्यों बोला, इस वजह से कि भाई ये एच पॉजिटिव यहाँ से डोनेट कर रहा है और एच पॉजिटिव डोनेट करने वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आर सी डब्ल्यू एच प्लस एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके, और सपोज दैट ये बना लिया आर सी डब्ल्यू नेगेटिव प्लस है, और यहाँ से एच टू और एच क्या हो गया, एच थ्री ओ पॉजिटिव, एच पॉजिटिव डोनेट कर दिया ना एच टू ओ को, तो क्या हो गया एच थ्री ओ पॉजिटिव, और इसके पास क्या आ गया आर सी डब्ल्यू नेगेटिव। ओके, और वापस कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा एस थ्री ओ पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेट ऑफ एस थ्री ओ पॉजिटिव आर सी डब्ल्यू नेगेटिव अपॉन क्या जाएगा आर सी डब्ल्यू एच, आर सी डब्ल्यू एच प्लस आर सी डब्ल्यू एच एंड एच टू, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेट ऑफ एस थ्री ओ पॉजिटिव कंसंट्रेट ऑफ आर सी डब्ल्यू नेगेटिव अपॉन आर सी डब्ल्यू एच एंड एच टू। ओके, इनका क्या कर दिया रेशो, वो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपके पास जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, एसिडिटी निकालना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि एसिडिटी के लिए अपने चेक करना है तो आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, के ए, के ए मीन्स होता है एसिडिटी कॉन्स्टेंट, और एसिडिटी कांस्टेंट ओनली ऑफ ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर से ही एसिडिटी कांस्टेंट वेरिएबल होगा, यदि अदर इफेक्ट आप चेक करेंगे तो उसे एसिडिटी कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम जो कॉन्स्टेंट जो के ए है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी कांस्टेंट, इट मींस जिसकी के ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी एच पॉजिटिव की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, इट मींस उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, एच पॉजिटिव डोनेट करने की पावर भी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी के ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी मतलब स्ट्रोंगनेस भी ज़्यादा होगी, एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगी उसकी अदर के रेस्पेक्ट। अब एक चीज और बताता हूँ इसके साथ साथ, आपको पता लग गया कि भाई के ए एसिडिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस होता है, बट अपने को पी के ए चाहिए तो पी के ए के लिए क्या करेंगे, पी के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग बेस 10 के ए, ये आपको बता दिया था लॉगरिथम के अंदर पी एच स्केल के अंदर। ठीक है, इट मीन्स ये हो गया ना कि भाई जिसकी के ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसके ए की एसिडिटी की कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, पीके वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, जिसकी पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज, इट मींस जिसकी के ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी जिसकी के ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी जिस कंपाउंड की के ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी क्या हो जाएगी पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, और के ए की वैल्यू मैक्सिमम इट मींस उसकी एच पॉजिटिव भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, यह आपको इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे ऑर्डर के ए का पूछे एच पॉजिटिव को पूछे पी के ए का पूछे, तो एच पॉजिटिव एंड के ए का तो सेम रहेगा बट पी के ए का उसका अपोजिटिव हो जाएगा। ओके, अब जैसे सपोज दैट मैं एक यूज में ले रहा हूँ एस सी डब्ल्यू एच सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच एंड सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है एसिडिटी ऑर्डर, तो एसिडिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो ये के ए की वैल्यू के बेसिस पे पता लगे के ए की वैल्यू, और के ए की वैल्यू जो होती है इसकी तो होती है 77.10 के पावर माइनस फाइव, और इसकी जो होगी 1.75 इंटू 10 के पावर माइनस फाइव, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.4 इंटू 10 के पावर माइनस फाइव, 77.7 इट मीन्स इसकी के ए की वैल्यू मैक्सिमम है, तो एसिडिटी भी इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, डिक्रीज हो गया 1.75 इसकी डिक्रीज हो, इसकी मिनिमम होगी के ए की वैल्यू मिनिमम, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच की मिनिमम, बट अपने को के ए की वैल्यू ये रिमेम्बर यस ये सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच है, अपने को ये के ए की वैल्यू तो पता लगी, लेकिन ये एग्जाम के अंदर के ए की वैल्यू थोड़ा ना देगा और ना आप इसको रिमेंबर कर सकते। ठीक है, तो करना क्या है कि डायरेक्ट ट्रिक देखिए, अब अपनी ट्रिक देखो एच सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच एंड सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच, राइट। अब करना क्या है कि आपको जो एसिड दे रखा है उससे कॉन्जुगेटेड बेस बना दो, क्या करना है कॉन्जुगेटेड बेस, तो कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्मेशन करने के लिए एच पॉजिटिव यहाँ से रिमूव कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव,
यहाँ से रिमूव कर देंगे एच पॉजिटिव तो आपके पास क्या जाएगा सी एच थ्री सी डब्लू नेगेटिव, राइट। और इस जगह से कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा सी टू एच फाइव सी डब्लू नेगेटिव। अब देखेंगे आपको एसिडिटी जब निकालनी होती है तो एसिडिटी जो होती है वो क्या होती है माइनस आई अपॉन प्लस आई इफेक्ट। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा माइनस आई इफेक्ट अपॉन प्लस आई इफेक्ट। ओके अब देखो इसके अंदर कोई प्लस आई इफेक्ट है क्या, हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट है नहीं है, इसमें यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट। ओके यहां पर सी एच थ्री और इस जगह पर कितने हैं सी टू एच फाइव है, इट मीन्स यहां पर सी एच थ्री वन कार्बन है, इट मीन्स यहां पर इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल के अंदर प्लस आई इफेक्ट। देख ले भाई प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर जो होता है मिथाइल का फिर उसके बाद में इथाइल का सी टू एच फाइव का फिर प्रोपाइल का सी थ्री एच सेवन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बताएं सी एच थ्री एंड सी टू एच फाइव के अंदर किसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई सी टू एच फाइव का प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा। ओके तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, इसका तो मिनिमम इसका मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी मिनिमम, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई मिनिमम किसके रेस्पेक्ट सी एच थ्री सी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट। इसका तो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसकी एसिडिटी क्या होगी वैसे ही मैक्सिमम हो गई, इसकी एसिडिटी तो वैसे ही मैक्सिमम हो गई, बट इसका प्लस आई वन वन प्लस आई है यहाँ पर सी टू एच फाइव और सी एस थ्री के अंदर किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है सी टू एच फाइव का, इट मीन्स इसकी जिसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एसिडिटी ऑर्डर का ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई, राइट। इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने इसके आगे आने वाले इसी चैप्टर के अंदर आगे जितने भी आएंगे वो सभी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होंगे। जितने भी एसिड दे रखे हैं उन एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर, और कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में एसिडिटी जब आप सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना माइनस आई अपॉन प्लस आई, जिसका प्लस आई मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी मिनिमम, राइट। यहां तक आपको करना है तैयार रेडी रहना है। ओके बट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखें कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, यस देखिए आगे, अब मैं लेता हूं कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का रीजन क्या है, तो रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का रीजन आपको चेक करना है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज दैट आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, RCOOH के अंदर टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन एटम, सो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शिफ्ट ऑक्सीजन एटम्स। ओके तो नेगेटिव चार्ज कम इन ऑक्सीजन एटम्स एंड लोन पेयर मेड ए डबल बॉन्ड, लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड, सो इट गिव्स R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लोन पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन, राइट। ये इसकी क्या की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है मैंने, कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसके अंदर एसिडिटी, सर ये इतना अच्छा एसिडिटी शो को करता है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के रेस्पेक्ट, एल्कोहल क्यों नहीं कर सकता, एल्कोहल भी तो एच पॉजिटिव डोनेट करता है कई बार, तो ये भी एसिडिटी शो करता है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन एल्कोहल बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कार्बोक्सिलिक एसिड बट डू नॉट प्रेजेंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एल्कोहल, राइट। तो होता क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है स्टेबल होता है ये, और स्टेबल भी इस वजह से कि भाई देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इधर देखें आर सी डब्ल्यू नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड एच, राइट। ये आपके पास है ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव यहां पर गेन, इस ऑक्सीजन ने जैसे ही पॉजिटिव गेन किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ऑक्सीजन एटम पे डिक्रीज। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ना होती कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर, जैसे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर आ गए तो ये कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रल, तो आपके पास क्या जाएगा आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और ये एच पॉजिटिव के फॉर्म में क्या हो गया यहां से आउट हो गया, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं आर सी
डबल बॉन्ड ओ एंड ऑक्सीजन, तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन। ओके, अब इस कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर भी रेजोनेटिंग, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइंड होकर न्यूट्रल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया कार्बोक्सिलेट एनायन। अब ये कार्बोक्सिलिक एनायन भी क्या रिप्रेजेंट करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कार्बोक्सिलिक एनायन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं, तो देखें सपोज दैट आपके पास ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक एनायन के अंदर भी क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो किस टाइप से होगी, देखो ये डबल बॉन्ड आगे ऑक्सीजन बैक बॉन्ड नहीं करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास क्या जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपकी इसकी क्या आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।